बुकिंग वगैरह करा रखी है, जल्दी जाना है, तो प्रोग्राम ने मुख्तसर कर रहे हैं, सिर्फ दो हमारे पास मुकर्रर हैं आखिर में, उसके हमने कुछ सर्टिफिकेट भी देने हैं और कुछ सिंध के मेहमान हैं अपने मेज़बाना वास्ते कुछ तोहफा भी लेके आए हैं, वो भी उन्हें देना है। तो इसलिए मैं अब बिला ताखीर जो है ना अपने कराची से तशरीफ लाए हैं चेयरमैन राजपूत कौमी मूवमेंट राव मोहम्मद नसीम साहब, तशरीफ ले आवेंगे। भरपूर ताड़ियां में जनाब राव मोहम्मद नसीम फ्रॉम कराची, चेयरमैन राजपूत कौमी मूवमेंट। जनाब काबिल एहतराम राणा तस्वीर साहब, अख्तर मिर्ज़ा साहब, तमाम बिरादरी के मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, ताया, चाचा, मामा, भाई, सारे अस्सलाम वालेकुम। भाइयों, बहुत मेहरबानी राणा तस्वीर साहब ने हमें इस प्रोग्राम में दावत दी और मैं सुबह ही पहुंचा अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। बड़ी मेहरबानी है तस्वीर भाई की। हमारी एक छोटी सी तंजीम है राजपूत कौमी वेलफेयर मूवमेंट, और इतफाक ऐसा है कि जब नोरा का ऐलान हुआ था उस प्रोग्राम में भी मैं तस्वीर भाई के ऑफिस पहुँच गया था और मेरे सामने ऐलान हुआ था। तो हम बाकी भाई ने बताया है कि हम एक काफ़ी अरसे से चल रहे हैं साहब, हमने चलना है। अब सारे ने तुमने मिठाई खा रखी है, चाय भी मीठी पी रखी है, और थोड़ी कड़वी बात मेरी सुन लो, बर्दाश्त कर रही हो अल्लाह का वास्ता। मैं तारे से नहीं कह रहा, अपने आप से कह रहा हूं। हम भाई सही कह रहे थे जमशेद भाई, मेरे एक भाई का प्रोग्राम हुआ फंक्शन, तस्वीर भाई मैंने तकरीबन 80 लाख रुपए खर्च करा है एक फंक्शन पे, 25 से 30 लाख रुपए वो गुनाहगार नाम वो ले गए। लेकिन उस बात ये नहीं है, अभी भी हमारे में कुछ शौकीन, कुछ नाम के लिए, कुछ अपनी जात के लिए, भाई अना ने फना करो, अपना आपने खत्म कर दो इस माँ बोली के लिए, छोड़ दो। मेरा नाम कहाँ लिया जाएगा, मेरा नाम कहाँ होगा, कहाँ लिखा जाएगा, कौन सा अवार्ड मैंने मिलेगा, नहीं चाहिए हमें अवार्ड, कोई कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ करो माँ बोली के लिए खिदमत करो, राना तस्वीर की करो। हम तस्वीर भाई मेरे पास कराची आए थे, मैंने कहा तस्वीर भाई मैं आपके साथ हर दम हाजिर हूँ, अभी भी हाजिर हूँ, मुझे मैं समझता हूँ मुझे ऐलान करने की जरूरत नहीं है, राणा तस्वीर भाई खुद ही समझ जाएंगे जो चीज़ें हैं हमारे पास, जो हमारे मामलात हैं। राजपूत कौमी वेलफेयर मूवमेंट का एडमिन ग्रुप है, उसमें हम ये तजवीज़ रखेंगे और इंशाल्लाह जो तस्वीर भाई का हुक्म होगा, पहले भी हमने कमिटमेंट्स पूरी किए हैं, कभी पीछे नहीं हटे और इंशाल्लाह अभी भी नहीं हटेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, हम दुनिया पर खर्च करें, दुनिया को दिखाने के लिए खर्च करें, खुदा के लिए अपनी कौम पर खर्च कर लो, अपनी बिरादरी पे खर्च कर लो, बजाय हमें ना हवाई जहाज से आने के किसी बस में आ जाएं, वो 50,000 हमें वही भाई की बात है कि आधी किताब तो छप जाएगी। हमने अपने आप कौम को मजबूत करें, अपनी बिरादरी को मजबूत करें, मलक अराई जो भी जो हमारी बोलीस है, जो भी हमारी बोली बोलता है, जो पाकिस्तान में आने के बाद बोलता है या पाकिस्तान से पहले से बोलता है, हम उसके साथ हैं, वो हमारे साथ है, और हमने इस माँ बोली की खिदमत करनी है, अपनी माँ बोली को ऊपर लेके आना है। तस्वीर भाई ने बहुत खिदमत की है, बहुत मैं मशहूर भी हूँ अकबर भाई सारे भाइयों का, लेकिन मैं ये कहूँ कि अब है ना ये गोथा में, दूसरी चीज़ों में, ग्रुपा में, ये चीज़ छोड़ दो, कुछ कुछ एक दो साल के लिए छोड़ दो, एक दो साल के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, उसके बाद जो तुम मजबूत हो जाओ, स्टेबल हो जाओ, तारी पहचान हो जाए, तुमने लोग जानने लग जाए, उसके बाद जो तारा दिल करे कर लो। लेकिन फिलहाल मैं हमारा राजपूत कौमी वेलफेयर मूवमेंट का दो नज़रिया है, पहला माँ बोली सखावत, दूसरा राजपूतों की खिदमत करना। आप यकीन करें हम हर तरीके से नोरा के साथ, हर तरीके से, जिस तरह आप दिन में बुलाओ, रात में बुलाओ, खिदमत बोलो, जो हुक्म बोलो, हम हर तरीके से आते हैं। ये हमारे तस्वर भाई भी बैठे हैं, हम इसको गवाह भी बना रहे हैं, और जो भी हमसे तस्वीर भाई का हुक्म होगा इंशाल्लाह हम उसको पूरा करेंगे, और जब जब आप हमें याद करोगे इंशाल्लाह, जब तक राव नसीम राजपूत कौमी वेलफेयर मूवमेंट में इंशाल्लाह आपके साथ। भाइयों, मैं अल्लाह के वास्ते अपने हबीब के सदके क्यों मैं ना सारे छोड़ दो, मैं चौहान हूँ, मैं कहूँ मेरी गोद बड़ी है, छोड़ दो, मडार हूँ, तोर हूँ, फलाना हूँ, छोड़ दो, एक प्लेटफॉर्म पर जो एक जगह आ जाओ, ईमानदारी से काम कर लो। मैं आपने ये रिक्वेस्ट करूँ कि 2 साल कर लो, ज़्यादा काम ना करो, 2 साल, अगर 2 साल में इस तंजीम से आपने रिजल्ट ना मिला, फिर मेरा आके दीवान पढ़ लो। अल्लाह हाफिज़।